यार ये स्पाइडर वाली ग्रिप इससे काफी प्यारी रहने वाली है, और ओवरऑल जो है ना बाइक के ऊपर टेप कर दी हमने बहुत बढ़िया तरीके से। फ्रंट में मडगार्ड नया हो गया, वाइजर नया हो गया, हेडलाइट नई हो गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अपने पास आ रखी है नागलो इसे हीरो स्प्लेंडर प्लस, जिसमें हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशन वाला काम, मतलब पेंट का भी काम होने वाला है, टेप का भी काम होने वाला है, फ्रंट का वाइजर नया डलने वाला है, मडगार्ड नया डलने वाला है। बाइक की कंडीशन फिलहाल आपको चेक करा देता हूँ, कंडीशन कैसी रहने वाली है। और हीरो स्प्लेंडर जो है ना एक तरह से बोलूंगा स्पेशल एडिशन वाला है, इसमें ग्राफिक देखो अलग रहने वाले हैं, थोड़े गोल्डन टाइप के। और ये उस टाइम पे काफी अच्छे चला था मॉडल, क्योंकि इसके अलॉय व्हील ब्लैक आते थे और पूरी बाइक ब्लैक आती थी, यहाँ पे गोल्डन के ना ग्राफिक मिलते थे देने के लिए। ठीक है, अभी जो इसके अंदर अभी जो है ना बाइक आई है हमारे काम होने के लिए, तो अभी क्या है बाइक हमारे पास आइए काम होने के लिए। लगा लो बाइक के अंदर काम होने वाला है ताबड़तोड़ बहुत बढ़िया तरीके से। टेल खोल लिए, टेल इसकी टूट गई थी, टेल के जितने भी पेज वेज होते हैं वो सब खोल रहा है एक बाल। और यहाँ पे इंडिकेटर देखो पीछे हो रहा है, पूरा घूम गया है मामला। ठीक है जी, मेरे ख्याल से वाइजर वाइजर सब नया डलने वाला है, पूरा टूट गया है। ठीक है, मरगाट भी नया डलेगा, इसके अंदर ये भी टूटा हुआ है। और बाकी इधर जो है पुन्ना भाई देख रहे हैं इसमें गियर कितने हैं, ये देख रहे हो भाई तुम स्टिकर हटा के। तो यहाँ पे टेप हटा के दोबारा टेप होने वाली। गौरव कौन टेप हो रही भाई, ग्लॉसी? ठीक है, तो ग्लॉसी ब्लैक इसमें पूरी बाइक में टेप होने वाली है। पेंट वेंट कुछ पेंट भी होना है, पूरी बाइक नीचे से पेंट होने वाली है। मतलब बाइक देख लो अभी कैसी रहने वाली है, और मैं कसम से बता रहा हूँ जब मैं वीडियो एंड करूंगा ना तो बाइक मारेगी लशकारे, सही बता रहा हूँ तुम्हारा। इसमें लेग गार्ड वाइट गार्ड जो है सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेग गार्ड इसमें नया डलने वाला है, जो इसका वाइजर भी टूटा हुआ है। हेडलाइट जो है इसकी हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ी डल पड़ चुकी है। क्या है कि पूरी बाइक ना नीचे से ऊपर तक चमकने वाली है, तो भाई हमने भाई को बोला है कि इसकी लाइट भी आप चेंज करा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक होता है ना चार चांद लगा दें लेकिन वो ये तो चांद पर दाग वाली बात आ जाएगी यहाँ पे। इस वजह से मैंने भाई को बोला है कि इसमें लाइट लगा लो आप, मजा आ जाएगा। तो लाइट भी इसमें लगने वाली है। फिलहाल बाइक को पूरा खोल बोल रहे हैं, बाइक को वॉश करा लिया, नई टेल पैनल यहाँ पे देखो जोड़ रहा है इकबाल। ठीक है ना, उसके बाद उस पर टेप होगी, ग्लॉसी ब्लैक होने वाली है ना, पूरी जेड ब्लैक होगी। मतलब 2024 में जो कैनवस ब्लैक आ रही है ना कंपनी से, काइंड ऑफ वैसी लगने वाली है बाइक, उससे भी बेहतरीन लगेगी, क्योंकि इसके अंदर चार चांद लगा देंगे हम एक्सेसरीज लगाने के बाद। तो अभी क्या है, फिलहाल पूरी बाइक जो है ना यहाँ देखो पूरी बाइक हमने खोल रखी है, और यहाँ पानी वानी तो नहीं क्या क्या आ रखा यार, ये सब हटाओ यार, ये क्या है ये। तो कुल मिला के ये जो है ना देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो बुरा हाल है, टैंक का बुरा हाल है, मतलब कि ये लगा लो पेंट वेंट सब मतलब हट गया है इसका, रस्टिंग आ चुकी है। तो कुल मिला के गाड़ी का हाल जो है बहुत बुरा है, लेकिन हाल जो है ना हम बना देंगे बहुत ही ज़बरदस्त वाला इसका। ठीक है जी, तो कुल मिला के ये है कि गाड़ी को जो है ना काम होने दो, फिर मिलता हूँ आपसे मैं आगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे हमारा टेल पैनल जो इकबाल असेंबल कर रहा है, ये वाली इसमें टेप होने वाली है अल्ट्रा ग्लॉस वाली। एंड इधर बढ़े तो यहाँ पे सामान रखा हुआ है काफी सारा, तो ये है टेल प्रोटेक्शन वाली पत्ती, जिससे आपकी टेल जो है ना टेल पैनल वो टूटता नहीं है। मॉक्सी का आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया नया फेंडर। ठीक है जी, फेंडर का आप पेंट चेक मारो कितना जहर रहने वाला है। ठीक है जी, ये आ गया। चारों इंडिकेटर्स में हम नए लगाने वाले, साथ में इंडिकेटर के जो बल्ब आते हैं 360 एलईडी वाले वो इसमें नए लगाने वाले हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए यूनो मिंडा का ओरिजिनल हम इसमें जो है ना बटन लगाने वाले हैं। ठीक है जी, मॉक्सी का हैजार्ड फ्लैशर लगाने वाले हैं। ठीक है जी, ये है हमारा पेंट देख सकते हैं आप क्यूब वाला। इससे क्या है कि आपकी जितनी बॉडी होती है मेटल की वो सारी हम करने वाले हैं पेंट। और ये लगा लो काफी अच्छा जो है इसकी लाइफ रहती है, मतलब ऐसा जल्दी से हटता नहीं है। इसकी डुप्लीकेट बहुत आती है इस पेंट की, बट हमारे पास ओरिजिनल रहने वाला है, दैट्स व्हाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ रहने वाला है ओरिजिनल को टक्कर देने वाला हमारा वाइजर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, काफी फ्लेक्सीबल है और काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये आता है। एंड इसमें लगने वाली है लाइट, और साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कंट्रोल स्विच रहने वाला है बिल्कुल ओरिजिनल। ये हीरो कंपनी का ओरिजिनल कंट्रोल स्विच रहने वाला है देख सकते हैं आप, बिल्कुल ओरिजिनल, मतलब कहीं से कहीं तक कोई लोकल चीज नहीं मिलने वाली। और अगर बात करें यहाँ पे इंजन की, तो यहाँ पे लगा हुआ यहाँ पे है बैश प्लेट मेरे हाथ में देख सकते हैं आप, ये स्प्लेंडर के लिए डेडिकेटेड रहने वाली है। स्पाइडर वाले ग्रिप यहाँ पे आ चुके हैं देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड चारों इंडिकेटर रहने वाले हैं ये देख सकते हैं आप, और इसके अंदर रहने वाला है फॉर्म पैड। ठीक है जी, चेक मारो यहाँ पे जो है ना पूरी बाइक को ना कर दिया हमने नेकेड, और नेकेड करने के बाद अब यहाँ पे पेंट वर्क जो है वो शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, एकदम मामला हो रहा है जहर। फिलहाल जो है ना यहाँ की जो पत्ती लगी होती है ना, ये लगा लो भाई साहब, वो पत्ती ने बड़ा तंग कर दिया, उसका एक बोल्ट नहीं खुल रहा था, बड़ी जो है मगजमारी करने के बाद जो है ना वो बोल्ट खुला। यहाँ पे देखो हमारे पुन्ना भाई लगे हुए पेंट वेंट करने में, मामला जहर हो रहा है। जितना भी अभी क्या है, जितना भी मेटल का पार्ट है ना सारा का सारा करने वाले हैं मैट ब्लैक, और जिससे बाइक लगने वाली है तबाही। मतलब मैं आपको बोल रहा था ना जैसी आई है वैसी जाएगी नहीं। फिलहाल ये स्टाइल चेक करो क्या बात, और यहाँ पे अंधाधुन फायरिंग हो रही है, अंधाधुन फायरिंग, आंसू गैस छोड़ रहे हैं आंसू गैस। और गाइस यहाँ पे चक का जाम है, चक्का जाम है, चक्का तो शॉर्ट ले रहे हैं यार,
चेक करो भाभी, पेंट देख सकते हो आप किस कदर उड़ रहा है यहाँ पे। देख लो फुल दुकान हमारी कोहरे से भरी पड़ी है इस टाइम पे। और यहाँ पुन्ना भाई दिखा रहे हैं देखो कलाकारी, फुल यूटिलिटी बॉक्स को चमका रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये बॉक्स ऐसे चमकेगा जैसे हीरा, देखो चमक रहा है ना एकदम हीरा। ये यहाँ पे जो है ना हमारी हीरो स्प्लेंडर जो है ये लगा लो, काफी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये चेक मारो यहाँ पे आ गई, लाइट से कनेक्शन हो गया, अभी नीचे पेंट मारना बाकी रह गया। फिलहाल इंडिकेटर यहाँ पे आ गए, जिसमें इंडिकेटर वाले जो बल्ब होते हैं ना हमने एलईडी वाले लगा दिए यहाँ पे बढ़िया तरीके से। और ये लगा लो टेपिंग काम सारा खत्म हो गया, अभी इसके अंदर रह गया हमारा लेग गार्ड लगना, जो हम एडीवी वाले क्रैश गार्ड लगाते हैं ना वो इसमें रह गया है। साथ में इंजन प्लेट देखो वहाँ पे वो लगाने वाले हैं, बट अभी क्या है कि पहले इंजन प्लेट के दो बोल्ट लगेंगे नीचे वाले, फिर लेग गार्ड लगेगा, फिर चारों बोल्ट लगेंगे। उसके बाद इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि यहाँ पे एक बोल्ट जो है वो खुल जाता तो अंदर टूट गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ चेक मारो वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो वो क्या है कि अभी निकलवाने के लिए ना हम इसको भेजने वाले फैब्रिकेटर के पास, जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होती है ना वहाँ पे गर्म करके टांका लगा के ऊँ माँ करके इसको निकालेंगे बाहर। उसके बाद वापसी गाड़ी यहाँ पे आएगी, तब इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मडगार्ड फिट हो जाएगा। फिलहाल मडगार्ड आपको दिखा दूँ तो यही है, जो हमारी शॉकर की लेग है उसके अंदर बोल्ट एक फंसा हुआ है, जिसके वजह से हमने ना मडगार्ड अभी देखो कुछ ये वाला नया रहने वाला है, देख सकते हैं आप यही मडगार्ड रहेगा एज इट इज, ये लगने वाला है। कुछ लुक चेक मारो कि लुक पहले वाली है या नहीं, अब पहले से काफी बेहतर हो गई है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि भाई आएगा जो ये छींटे वीटे दिखाई दे रही है, ये छींटे नहीं है दोस्तों, ये ना स्क्रैच है, काफी पुरानी गाड़ी रहने वाली है। कितने साल हो गए भाजी? चार साल हो गाड़ी को, चार साल। सेकेंड हैंड लेती तुसी? नवी, ठीक है। अच्छा फील्ड लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है कि फील्ड में चलती है बाइक, इस चक्कर में ना स्क्रैचेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इसी चक्कर में जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा वैसा हो रहा है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया ना इसका बोल्ट हम निकलवाएंगे और फिर दोबारा इसको पेंट करेंगे, उसके बाद ये जो है ना नया मरगार्ड इसमें दोबारा प्लेस कर देंगे। फिलहाल मैं आपको लुक चेक कराने के लिए मैंने मरगार्ड यहाँ पे रखा है, बाइक का फाइनल लुक जो है ना कहीं कुछ इस तरीके से आएगा लेग गार्ड के साथ, चेक करो आप, ठीक है ना। अभी क्या है पैनल और सीट लगा के मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सीट कवर नया लगा रहे हो हैं? एंड यहाँ से लुक चेक मारो कितनी ज्यादा जहर लग रही है। कुल मिला के ये भाई बाइक में ना चार चांद लगा दिए हैं। और आपको मैं ये बोलूंगा कि आप भी अपनी बाइक को ना यहाँ पर लेकर आए और एक बार मैं लाइट चेक कराता हूँ। पहले ये देखो हेडलाइट देखो, खंडे वाली लाइट है, क्या प्यारी लग रही है लाइट जो बात है। इसके अंदर देखो व्हाइट कलर में हेडलाइट ऑन हो जाती है, इसमें जो है व्हाइट, यहाँ से लाइट जो है DRL ऑन हो जाएंगे व्हाइट। ये देखो जी क्या प्यारी लग रही जो बात है। तो कुल मिला बहुत सही रिस्पॉन्स रहने वाला है इस लाइट का। हैजार्ड लगी हैजार्ड, ये देखो जी, तो हैजार्ड भी इसमें आ जाता है। यहाँ पे मोबाइल होल्डर आ जाता है चार्जिंग वाला, यहाँ पे जो है ना मीटर का जो है ना कवर लगा दिया हमने क्रोम वाला। एंड यहाँ पे आ जाता है स्पाइडर वाली ग्रिप, जाती है स्पाइडर वाली ग्रिप, देख सकते हैं काफ़ी प्यारी रहने वाली है। और ओवरऑल जो है ना बाइक के ऊपर टेप कर दी हमने बहुत बढ़िया तरीके से। फ्रंट में मरगार्ड नया हो गया, वाइजर नया हो गया, हेडलाइट नहीं हो गई, और बाकी टैंक पैनल और टेल पैनल जो है सब टेप कर दिया बढ़िया तरीके से, पेंट मार दिया अच्छे से, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी।